अस्सलाम वालेकुम भाई, रमजान आने वाला है और रमजान में सबकी ख्वाहिश होती है कि यार सबसे अच्छा दिखने वाला बन जाऊं। तो मेरा मशवरा यह है कि आप एक मर्तबा हसीब आउटलेट पे लाजमी है, चूंकि इनका एक आउटलेट डिफेंस में और एक आउटलेट इनका जो है वो फाइव स्टार चुरंगी। तो फाइव स्टार पे आउटलेट पे लाने का मकसद ये कि छुपा रुस्तम बंदा है, बड़ी कम हमने जो है वो हमें देखने को नजर आता है फाइव स्टार पे, वैसे डिफेंस में होता है, लेकिन बड़ा मुश्किल से हमने इनसे टाइम लिया हसीब भाई से। हसीब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया, क्योंकि बड़ा कीमती वक्त होता है। एक तो रजब और शाबान और रमजान आप लोग जो है वो किसी को टाइम ही नहीं देते हो, चाहे कोई भी टेलर हो। माशाल्लाह मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, मुख्तलिफ अदाकार हो, मुख्तलिफ न्यूज कास्टर, नामी ग्रामी न्यूज कास्टर जो है वो आपके पास कपड़े सिलवाते हैं। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वैसे जमजमा हूँ, लेकिन मुझे पता है जमजमा वाले रेट आप देते तो बुखारी पर है, बुखारी कमर्शियल पे, तो बुखारी कमर्शियल वाले रेट देते। यहाँ पे आपने माशाल्लाह से तकरीबन कोई मेरे ख्याल दो तीन सालों से यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, तकरीबन चार साल से, यहाँ पर चार साल से काम कर रहे हैं। तो मुझे बताओ ना कि लोगों को, क्योंकि मैं तो एक सादा सा आदमी हूँ, मुझे तो ना कुछ पता है ना, मैं तो बस मुझे शलवार कमीज सिल के मिल गए और मैंने पहन ली है। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि जो बातें आप मुझसे जो ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे थे वही बातें आवाम के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि यार बंदे को अगर ग्रूम होना है तो क्या क्या आइडियाज उसके पास होने चाहिए। असल में देखिए मुस्लिम भाई, होता ही है, बहुत सारे आते थे, आपने बुलाया कि मेरे कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से मुझे कुछ बताएं। कॉम्प्लेक्शन का इतना बड़ा गेम नहीं है। अच्छा, क्लाइंट कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा मैटर करती है चीज, लेकिन हरगिज मेरा ये नहीं है कि बंदा वो कलर पहन सकता ही नहीं है। अल्लाह ने हर कलर के शेड्स है ना, देखिए हर कलर के शेड्स हैं, व्हाइट के अंदर कितने शेड्स हैं, मतलब एक मैं एक बुरे कलर का नाम लेता हूँ, पिंक के अंदर बहुत सारे शेड्स हैं। इंसान कैरी कर सकता है, बट उसका शेड दिखना चाहिए कि वो क्या चलेगा। जैसे व्हाइट कलर के अंदर आप ऑफ व्हाइट अच्छा लगता है, जैसे आप मुझे कह रहे थे यार शायद सही ना लगे, लेकिन हाँ आपने कैरी अगर अच्छा करा हुआ है, अच्छे शूज के साथ कैरी करा हुआ है, बनावा अच्छा है, वो फिटिंग आपकी बेहतर है, घड़ी आपने अच्छी पहनी हुई है, कुछ एक्सेसरी अच्छी पहनी हुई है, तो वो अच्छी लगेगी आपको चीज। इंशाल्लाह आप तो गाले में बता रहे थे उम्रे के हवाले से आप मेरे पास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं इसीलिए आ रखेगा मैं भाई, नहीं नहीं जरूर बताऊंगा, मैं लोगों को भी बताऊंगा भाई, जब मुझे कपड़े सिल के मिलेंगे तो फिर मैं जरूर बताऊंगा कि भाई आप यहाँ पर आए। जो चूंकि बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है कि भाई अगर कपड़े अगर मैं बुरे बनाऊं तो वीडियो में बताना है कि बुरे बनाए कपड़े, अच्छे नहीं बनाए, मुझे बोला है भाई, बड़ा अच्छा आदमी है यार। अभी तो आप पहली दफा आए हैं मेरे पास, इंशाल्लाह अब हम चूज करेंगे चीजें सारी। बिल्कुल बिल्कुल चूज करेंगे, जब आप वहाँ पहनेंगे अल्लाह ने चाहा तो उसके बाद बताइएगा हमें अलीबाग अच्छा है बुरा है, और ऑडियंस को बताइएगा कि अच्छा है या बुरा। जरूर जरूर जरूर, मुझे थोड़ा सा दिखाए ना आपके पास क्या क्या जो है वो वैरायटी है। वैसे तो बहुत सारी है, मगर चंद जो है वो मुझे। हाँ हमारे पास हर तरह का फैब्रिक अवेलेबल होता है, इम्पोर्टेड फैब्रिक भी है जो कि मिक्स कॉटन के अंदर होता है, 100% कॉटन के अंदर भी होता है, फिर कुछ हमारे पास होते हैं जो सिंथेटिक्स का है, हमारे पास कुछ हमारे पास वॉशिंग वेयर फैब्रिक है। आई वुड रिकमेंड यू गो फॉर वॉशिंग वेयर, क्योंकि वहाँ आप जब जाएंगे रिंकल्स नहीं आने चाहिए, थोड़ा सा बेहतर रहना चाहिए जो मैं समझता हूँ उसके हिसाब से, आप शायद मुत्तफिक ना हो उस बात से। बहरहाल जैसे ये है, वो क्या ये सिंथेटिक बोस की आता है हमारे पास, बहुत खूबसूरत कलर है, आप आसानी किसी भी इवेंट के अंदर पहन सकते हैं और कहीं आने जाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, और न्यूट्रल भी कैरी कर सकते हैं। जिस तरह लाइट फैब्रिक होते हैं, जैसे ये स्टील ग्रे कलर है, ये आप पहन सकते हैं, इस तरह थोड़े से कॉटन फैब्रिक होते हैं जो कि जरा सा मौसम के हवाले से, वहां तो खैर इतनी गर्मी वो सर्दी नहीं है, आप जिसने कितना जबरदस्त लगेगा, ये बहुत खूबसूरत कलर है, इस तरह का लाइट कलर होगा, डार्क कलर होगा, हमारे पास मॉडल फैब्रिक है, इट्स एन इजिप्शियन कॉटन, दिख रहा है कि बता रहा है कुछ चीज है, मतलब यू नेम इट वी हैव इट, कलर हमारे पास बहुत है, डिफरेंट वेरिएशन होती है। हमारे पास ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्काई ब्लू एंड व्हाइट, आप देख सकते हैं इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक है हमारे पास। हाँ तो मैं आपको इंशाल्लाह कुछ फैब्रिक अच्छे बना के दूंगा, जैसा आप चाहते हैं, जैसा मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतर होंगे वो, वहां पहन के फिर ऑडियंस को आपने भी दिखाइएगा पिक्चर वगैरह के। हाँ यार आप बताएं कैसे लग रहे हैं। नहीं यार इंशाल्लाह जरूर दिखाएंगे, दुआओं में। जैसे कि मौसम में मैंने कहा ना आपको कि आप जो कपड़े पहन रहे हैं ना उसी के हिसाब से सारी चीजें होनी चाहिए। बहुत सारे हजरात हैं, कद छोटा है उनका, उन्होंने शलवार कमीज पहनी है, उसके नीचे इतनी मोटे सोल की केड़ी पहन ली तो वो बुरी लगती है, शायद उनको को बताता नहीं है, शायद उनको वो पसंद होती है, पसंद तो बहुत चीजें होती है इंसान को, लेकिन जरूरी नहीं वो आप अच्छी लगे वो चीज़, ऐसा है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं कोई चीज पहन रहा हूँ, हो सकता है मुझ पे ना अच्छी लगे, मुझे पसंद हो वो चीज, लेकिन मुझ पे ना अच्छी लगे। आपने जो शलवार कमीज पहने हुए उसके ऊपर गोल्डन जो है वो बड़ा अट्रैक्ट कर रही है चीज। हाँ अच्छा, देखिए गोल्ड है ना, जूते भी आपने बिल्कुल मैचिंग के पहन लिए, बिल्कुल जैसे आप ब्लैक पहने ना तो उसके साथ ऑल ब्लैक कैरी करें। मैं मिसाल देता हूँ आपको, अगर मैं इसके साथ व्हाइट कोई स्ट्राइप वाली सिल्वर तो आपकी निगाहों में आती ना वाली चीज, गोल्ड आ रही है लेकिन वो उससे कंबाइंड हो रही है, अच्छी लग रही है, इसका डायल गोल्ड है वो ब्लैक है तो ये बेहतर लग रही है। कहने का मतलब है इसी तरह से कैरी करने पड़ते हैं अच्छे। आप मैंने देखा है वो जूते वगैरह पड़े हुए आपके पास, तो ये जूते क्यों रखते हो आप लोग, इसका थोड़ा सा बताओ। देखिए होता क्या है, हमारे पास ना हर चीज बनती है,
ज्यादातर हमारे पास जो कपड़े बनते हैं वो इवेंट ओरिएंटेड बनते हैं, वो शेरवानीज हो गई, सूट्स। हमारा मेन प्रायोरिटी काम जो है ना वो सूट्स के ऊपर है, इवेंट ओरिएंटेड है, सही है। तो उसमें हम क्लाइंट को वन विंडो सॉल्यूशन देते हैं कि आप फ्रॉम योर शेरवानी टू सूट्स, सलवार कमीज, हर चीज आप हमसे ले सकते हैं, इंक्लूडिंग योर शूज। क्लाइंट हमसे ही पूछता है कि यार भैया बताएं मैं वलीमे के लिए कौन से शूज पहनूं, तो लाजमी सी बात है फिर मैं क्लाइंट को चाहता हूँ कि वो इधर उधर जा रहा है तो वाई नॉट मैं ही बना के दे दूँ उसको। ये हमारा थर्ड प्रायोरिटी काम है। हमसे हर कोई, हम शूज लेने कोई नहीं आता हमारे पास, सही है, सही है। जो हमसे सारे कपड़े ले रहे हैं वही लोग हमसे शूज लेना पसंद करते हैं, उनमें से भी कुछ हजरात। ये हमारा थर्ड प्रायोरिटी काम है। हमारा प्रायोरिटी काम जो है वो हमारा ये सूट से हमारी शेरवानी है। दूल्हे दूल्हे को भी तैयार करने के लिए आपने सारी चीजें रखी हुई है हमारे पास। हाँ, मेरी बात है, जैसे मैंने कहा कि शेरवानी है हमारे पास, तो शेरवानी में हर तरह का फैब्रिक हमारे पास है, हर तरह का, हर तरह का, कम से कम तर शेरवानी भी है और ज्यादा से ज्यादा भी है। तो आजकल मैंने देखा वो तस्वीरें लोग लेके आते हैं कि इस तरह का कुछ बना के दिखा दो, तो वो काम भी आप करते हैं? बिल्कुल करते हैं, तस्वीरें लेकर आते हैं। मैं समझता हूँ कि हाँ यार उस इंसान पे ये बेहतर लगेगी, तो मैं उसको सच्चाई से बोलता हूँ, देखिए आप ये बनवा रहे हैं ये बुरी लगेगी या अच्छी लगेगी? अच्छी लगती है तो मैं आमादा होता हूँ कि हाँ यार बनाऊंगा, वरना यकीन करें मैं बहुत लोगों को मना कर देता हूँ कि यार ये मुझे मुझे ही नहीं अच्छी लग रही, मैं क्या इसके अंदर अपनी मेहनत डालूं। ये बात भी है, मैं ये तो है ही नहीं चक्कर कि भाई हाँ आप जो ले लें फिर आपकी मर्जी उसे पहने ना पहने, होता यही है, मेरा कंसर्न नहीं है। एक क्लाइंट आया, आपने कपड़े बनवाए, अपनी चाहत पे बनवा लिए, आप मेरी मान भी नहीं रहे बात को। अब मैं ये कहूंगा ना कि यार इन द एंड ऑफ द डे मुझे तो पैसों से मतलब है ना, मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ बैठा वाला। असी भाई है भाई, की तरह आउटलेट दिखाओ, बातें बहुत हो गई हैं, ये जरा चेक करो माशाल्लाह से, बड़ा भाई खुला डुला इन्होंने आउटलेट बनाया हुआ है, ये ट्रायल रूम भी रखा हुआ है जबरदस्त, और ये जरा चेक करो, जरा घुमाओ, जरा इस तरफ आओ, ये कितना जबरदस्त, इतना बड़ा ये आउटलेट इनका बना हुआ है, शीशे इन्होंने रखे हुए हैं, मतलब फुल एक डिजाइनर को जो चीजें चाहिए होती है वो सारी चीजें इनके पास अवेलेबल है, और खरीदने वाला उसको भी बड़ा मजा आएगा। सी भाई मुझे यहाँ का एड्रेस तो बता दो। सर ये हमारा ये ब्लॉक एल में है, नॉर्थ अनवाद ब्लॉक एल के अंदर। वैसे हमारा ये थर्ड फ्लोर के ऊपर है, ये कमर्शियल बिल्डिंग है। आप अगर फाइव स्टार चौरंगी से आ रहे हैं तो हमारी बिल्डिंग के नीचे चुगताई लैब बनी हुई है और टेक्सस चिकन बना हुआ है, उसी का थर्ड फ्लोर है। गूगल मैप के ऊपर हमारा जो हमारा पिन पॉइंट एडजस्ट हुआ हुआ है, बआसानी आप आ सकते हैं, इंक्लूडिंग हमारा भी जो है डिस्क्रिप्शन में रख देता हूं, ताकि लोग, और हमारे गूगल के ऊपर भी हमारा नंबर है, हर चीज अवेलेबिलिटी है। आसिफ भाई मुझे आखिरी सवाल, इतनी सारी बातें हो गई माशाल्लाह, इतनी अच्छी अच्छी बातें भी कर दी, अच्छे अच्छे आपने दिखा भी दिए डिजाइन, अभी तो बहुत सारे डिजाइन हमने दिखाए नहीं है, जो देखेंगे तो यकीनन तौर पर जो है वो बड़ा मजा आएगा देखने में भी, लेकिन टाइम चूंकि कम है, मुझे ये बताओ पैसे जो है वो, मैं मुद्दे की बात करता हूँ, पैसे कितने से कितने लोग जो है वो आपके पास आ सकते हैं? देखिए मौसम भाई होता ही है, कराची बहुत बड़ा शहर है, इसके अंदर आपको शायद बाहर मार्केट में 500 रुपए का कपड़ा भी मिलेगा और 50,000 रुपए का भी नहीं मिलेगा। अगर आप कोट की बात करते हैं तो कराची शहर के अंदर मेरे भाई 3,500 रुपए का कोट बेचने वाले हजरात भी हैं और 3,500,000 का कोट भी बेचने वाले हजरात हैं। पैसों का तयन डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ फैब्रिक पे, क्वालिटी ऑफ स्टिचिंग पे। अब मोबाइल की ले लें मिसाल, एक बात करने वाला मोबाइल तो 5,000 रुपए का भी है और वही वाला मोबाइल 5,00,000 रुपए का भी है, जिसमें फीचर्स हैं, जिसमें चीजें हैं, क्वालिटी है, तो यही मैटर है। हमारे रेट, मैं ये तो नहीं कहता कि भाई कम है, हाँ जो हमारी तरह का काम कर रहे हैं या उनके लेवल का काम कर रहे हैं, जब जैसे काम कर रहे हैं उस रेट में हम उससे मुनासिब है। I'm not saying कि मैं बहुत कम हूँ, नहीं मैं खाली बात नहीं करूँगा, क्लियर बात कर दी। हाँ, ताकि लोग इतने दूर, टू बी वेरी ऑनेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 9,000 रुपीज टू ऑनवर्ड तकरीबन 25,000 तक का हमारे पास शलवार कमीज है, डिपेंड ऑन द कैटेगरी ऑफ फैब्रिक। अगर हम सूट्स की बात करते हैं, सूट्स हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम 30,000 रुपीज टू ऑनवर्ड 3,50,000 रुपए तक का है, डिपेंड ऑन द कैटेगरी ऑफ फैब्रिक। उसमें हमारे पास इटालियन फैब्रिक है, उनकी रेंज है, इटालियन मेड फैब्रिक है, उसमें हमारे पास इटालियन में लोरो पियाना है, हमारे पास जैनिया फैब्रिक है, बहुत तरह के फैब्रिक है, बहुत तरह की चीजें। हसीब भाई के पास इस वक्त आने का मकसद ये था भाई, चूंकि रजब शाबान रमजान होता है, बहुत सारे लोग जो है वो अच्छा पहनना चाहते हैं, ईद पे अच्छा दिखना चाहते हैं, शादियों में अच्छा दिखना चाहते हैं, तो एक मरतबा आपने यहाँ पे विजिट करना है हसीब हसीबुर रहमान HR ब्रांड है, जो कि एड्रेस लोकेशन नंबर सारी चीजें मैं डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, यहाँ पर विजिट करें और आप एक मरतबा यहाँ का पहने और जो भी जैसा भी आपको लगे तो कॉमेंट करके लाजमी बताना कि जी आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।